फुल रिसर्च वीडियो है, इस वीडियो को वायरल कर देना। और कांग्रेस जो भ्रम पैदा करता है बेरोजगारी पर, जो आपको झूठ बोलता है, आज उसका पोल खुल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इसको ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, शेयर कर ही देना, सभी चमचों तक तो पहुंचा ही देना। ये तो आप भी मानते होंगे कि मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था लेकिन दिया नहीं। बिल्कुल सत्य बात है कि मोदी ने विशुद्ध झूठ बोला था, क्योंकि ताजा आंकड़ों के अनुसार मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ 14 लाख नौकरियां उत्पन्न की है। 2014 से 24 तक कुल 51.4 करोड़ रोजगार सृजित हुए, जिनमें से 19.79 करोड़ रोजगार सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों से एवं 31.61 करोड़ का योगदान लोन और क्रेडिट के माध्यम से हुआ। केवल मुद्रा योजना के तहत प्रतिवर्ष 3 करोड़ 16 लाख लोगों को स्थिर और स्थायी रोजगार मिला है। इनमें से यदि हम यह भी मान लें कि 20% लोगों का रोजगार किसी कारण छूट गया होगा, फिर भी यह आंकड़ा 2 करोड़ 52 लाख का होता है। एक उत्तर क्या आता है कि लाख रुपए के लोन से क्या होता है, उनके लिए बता दूं कि केवल मुद्रा योजना ने प्रति 85,000 रुपए के लोन पर एक स्थिर नौकरी उत्पन्न की है, यानी जिन्होंने लोन लिया वो स्वयं भी नौकरी कर रहे हैं या लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। दूसरा उत्तर क्या आता है कि ऐसे रोजगार में सैलरी बहुत कम होती है, तो बता दूं कि मोदी की लगभग 150 योजनाएं ऐसी हैं जो इसी समूह के उत्थान हेतु उपलब्ध है। गरीब को आवास, बिजली, स्कूल में बच्चे को किताब, यूनिफॉर्म, भोजन समेत दर्जनों तरह की सब्सिडी के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। विपक्ष को लगता है कि मोदी इन 5 करोड़ लोगों को एक रामलीला मैदान या ईदगाह में इकट्ठा करके दिखाए कि इनके पास रोजगार है। और हाँ, राहुल गांधी की बेरोजगारी का कारण मोदी तो है, फिर भी वह देश के सारे युवाओं का प्रतिबिंब नहीं है। बेरोजगार रहना, असफल होना उनका स्वभाव है।